म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर, सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत स्मॉल हैं, तो आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन आई होगा, आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन आर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इस आई और आर की वैल्यू, इसको आई और आर को हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा बीटा और गामा में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्राइंगल देखो कौन कौन सा ट्राइंगल हम यूज़ करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल हमने ऐसे बनाया, ठीक है, ये वाला, जिसमें आई आ रहा है उसमें अल्फ़ा भी आ रहा है और उसमें गामा आ रहा है। तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा होगा, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। इस ट्राइंगल में देखो कौन सा ट्राइंगल है, ये एम ओ और ये सी, ये ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल देखो, दूसरा जिसमें आर आएगा, देखो आर इसमें है, ये एंगल आर है, तो आर की वैल्यू, ये एंगल भी आर होगा, ज़रा ध्यान से देखो ये वाला। अब इस ट्राइंगल को हम कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखना, देखो बीटा ये हो गया आई, ये हो गया सी, ये हो गया आर, देखो बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, आई की वैल्यू अल्फ़ा प्लस गामा, ये दोनों वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, म्यू टू इन टू अल्फ़ा की, आई की वैल्यू अल्फ़ा प्लस गामा है और आर की वैल्यू क्या है, आर वन की, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा, ये हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा की वैल्यू है एच अपॉन माइनस यू, गामा की वैल्यू एच अपॉन प्लस आर इज इक्वल टू म्यू वन इन टू, बीटा की वैल्यू एच अपॉन माइनस वी प्लस एच अपॉन प्लस आर, ये हो गया। देखो ज़रा अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसमें एच कॉमन लेके काट सकते हैं, म्यू टू ब्रैकेट में होगा वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन ब्रैकेट में वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन वी। अब म्यू टू का अंदर मल्टीप्लाई करो, म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई करें तो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन वी। इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन आर, ये होगा रिलेशन। अब इसमें आर एलसीएम ले लो, म्यू वन माइनस म्यू टू और इधर क्या होगा, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू, ये रिलेशन है, करेक्ट है। तो पिछले वाले रिलेशन में सरफेस कैसा था, पिछले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने किया था जो, उसमें सरफेस कॉन्वेक्स था, इसमें भी सरफेस कॉन्वेक्स है, ध्यान से देखो इसमें भी तो सरफेस कॉन्वेक्स है, सामने वाली साइड कैसी है, कॉन्वेक्स है, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें इमेज वर्चुअल बन रही है, इमेज जो यहाँ बन रही है वो वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। अच्छा, पिछले वाले डेरिवेशन में ध्यान दो और इस वाले डेरिवेशन में ध्यान दो, उस डेरिवेशन में ऑब्जेक्ट कहाँ था, उस ऑब्जेक्ट, उस डेरिवेशन में, उस सिनेरियो में हमारा ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में था और इस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। तो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है यू के साथ वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में है। देखो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू के साथ है, ध्यान दो, यही कैच है सबसे बड़ा। हाँ, यू जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा यू के साथ हमेशा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में होगा, ये पकड़ लेना पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम ये समझ गए, तुमको 6 डेरिवेशन है तुम्हारे, जितने भी 6 डेरिवेशन सब कर तुम कर सकते हो, बिना तुमको फार्मूला डेराइव किए तुम बता सकते हो इसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, तुमको ज़्यादा उसकी फिक्र नहीं करनी है, तुमको बस ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है कनकेव है, उससे कोई मतलब नहीं, इमेज वर्चुअल बन रही है रियल बन रही है किस मीडियम में बन रही है उससे भी कोई मतलब नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है। अगर जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा यू के साथ वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में रहेगा और दूसरा मीडियम वी के साथ रहेगा। तो देखो सीक्वेंस क्या है, इसमें म्यू वन पहले है म्यू टू बाद में है, यहाँ भी म्यू वन माइनस म्यू टू है ना, यहाँ म्यू वन, और पिछले वाले में डेरिवेशन में क्या था, पिछले वाले में म्यू टू पहले था वी के साथ और यू के साथ म्यू वन था, तो यहाँ पर भी म्यू टू माइनस म्यू वन था,
तो ये दो चीज़ें अगर तुम पकड़ लिए तो तुम्हारे लिए ये पूरा डेरिवेशन कुछ मुश्किल नहीं है। तुमको सिनेरियो दिया जाएगा, कंडीशन दी जाएगी ना, तो तुम उसका रिजल्ट सीधे लिख सकते हो बिना कुछ डेरिवेशन किए हो। हाँ, ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है वो इम्पोर्टेंट है, इमेज किस मीडियम में बन रही है वो इम्पोर्टेंट यहाँ है ही नहीं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा है। तो जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होगा उस मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू के साथ आप न्यूमरेटर में लिखोगे, याद रहेगा।